आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। बाकल थाना अंतर्गत बाकल के अंतर्गत आने वाले ग्राम इमलिया में टीकाकरण सुचारू रूप से लगातार किया जा रहा है। इसमें उपस्थित ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर टीका लगवाया। ग्राम पंचायत इमलिया में स्वास्थ्य विभाग की टीम बहोरी बंद से BMO डॉक्टर अनुराग शुक्ला और बाकल उप स्वास्थ्य केंद्र से राजुल जैन, पूजा पटेल, संगीता कौल, रश्मि राय, उषा चौधरी, संपत राय, आशा सहयोगिनी सविती राय और सरोज राय, हल्का पटवारी प्रशांत मेहरा, ग्राम पंचायत सरपंच शेखलाल चौधरी, सचिव प्राण सिंह पटेल, क्षेत्र के प्रति लगन सराहनीय रही। ग्राम पंचायत और अन्य गांवों में जानकारी देते हुए लोगों को समझाइश दी कि कोरोना के टीका के लिए जागरूकता दिखाएं। नवभारत संवाददाता हरभजन राय ने भी टीका लगवाया और उप स्वास्थ्य केंद्र इमलिया में टीका लगवाने आए हुए ग्रामीणों से जानकारी मिली कि टीके से सभी लोग खुश हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। इसलिए लोगों ने माना है कि किसी भी गलत अफवाह में ना पड़े और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग निश्चित इस टीके का लाभ लें। जान है तो जहान है। नवभारत संवाददाता हरभजन राय ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सुचारू रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। क्या वैक्सीनेशन होगा, टीका होगा? कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो ठीक है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोई समस्या तो नहीं आई वैक्सीन लगवाने के दौरान? और क्या समझाइश दी गई यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा? क्या कुछ समझाइश दी गई उनके द्वारा कि क्या इसके बाद क्या करना है, आराम करना है? इसके बाद मतलब टीका लग जा, अभी बैठो रुको, फिर घर पर जाके आराम करना। आज का तो आज 7 लोगों को लगा है और एक दिन और सेशन हुआ था, 7 तारीख को हुआ था, तो तब 190 लोगों को लगा था। क्यों लोग आ नहीं रहे हैं यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में? आज तो नहीं आ रहे हैं, उस दिन तो बहुत भीड़ थी, आज नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ ग्राम पंचायत वगैरह का ऐसा कुछ सहयोग है यहाँ पे? हाँ, सबका सचिव वगैरह, GRS उन लोग लाते हैं गाँव से उठा के। और कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे हैं? अच्छा, कुछ आबादी के बारे में आप लोगों को पता है कि कितनी आबादी है? 5040 में सिर्फ कितने लोगों को टीका लगा है अभी? 200 लोगों को। सिर्फ 200 लोगों को। बाकल से नंदकिशोर लोधी की रिपोर्ट।